कोई आदमी ख़त्म हो गया, कहीं कुछ कोई भी घटना घटी कहीं नज़र नहीं आए। केवल आज जाकर हरियाली आंसू बहा रहे हैं। लॉकडाउन के समय भाजपा सरकार ये जो लोगों को बचा ले आई, वरना ये भाजपा सरकार दूसरी सरकार होती तो कुछ बच ना पाता। बहन बेटियां हमारी जो चल रही है रोड पे, कोई दिक्कत नहीं है, आज सुरक्षित है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। सांसद जी के कार्यकाल में कुछ खामियां रही, लेकिन उन्होंने अपने खामियों को बताया कि जो गलती हो गई अब दोबारा नहीं होगी और जो काम होगा अच्छी तरीके से और होगा। बच चुका है वही आपको बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी समगल लाल गुप्ता, बसपा प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा जी हैं और सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल जी हैं। वहीं आपको बता दें जनता हमारे बीच मौजूद है, आइए हम जनता से बात करते हैं किस मुद्दे को लेके वोट करेगी। जी सर, क्या नाम है आपका? भैया बुलाए नहीं के। क्या नाम आपका? हमारा नाम है रियाज। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हम वोट करेंगे इसलिए बेरोजगारी का मुद्दा है और युवाओं को नौकरी नहीं मिली, उनके कैरियर को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया भाजपा सरकार ने, और इस मुद्दे पर हम वोट करेंगे। तो ये सरकार, आप क्या लगते हैं ये सरकार सही नहीं है? यह सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और केवल इसमें नरेंद्र मोदी जी जो है जनता को खुश करने के लिए लगे रहे, लेकिन जो है उनके जितने भी साथी थे सब पूरी तरह सरकार को फेल किया है। तो आप किसको वोट करेंगे? हम करेंगे एसपी सिंह पटेल को। इसलिए एसपी सिंह पटेल किसे करेंगे? एसपी सिंह पटेल इसलिए पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हाँ, हो सकता है प्रतापगढ़ में पाँच साल इस सूखा पड़ गया था, आपकी बार हो सकता है आपकी बार कुछ हरियाली आ जाए, कुछ उम्मीद। मतलब ये आप कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी अभी तक कुछ किए नहीं है? कुछ नहीं, पूरे प्रतापगढ़ में कोई कार्य नहीं किया। लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे कार्य किए, क्या कार्य नहीं किए? केवल उन्होंने कार्य किया है लेकिन होटल बनवाया अपनी, और जो है केवल अपना घर बनवाया, होटल बनवाया, और केवल लोगों के बीच पहुँचना दूर 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 तक नज़र नहीं आए। कोई आदमी ख़त्म हो गया, कहीं कुछ कोई भी घटना घटी कहीं नज़र नहीं आए। केवल आज जाकर हरियाली आंसू बहा रहे हैं कि मुझको माफ़ कर दीजिए, पंडित ठाकुरों को अपमानित किया और जाकर लोगों के सामने अपमानित किया, आज उसी की गलती मान रहे हैं। फिलहाल देखते हैं, ये तो बात की बात है। हमारे बीच कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। संजय जी ये बताइए, आप किसको वोट करेंगे और क्या मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा ये है कि देश को एक अच्छा वक्ता मिला है, अच्छा देश को प्रधानमंत्री मिला हुआ है और हर नागरिक को चाहिए देश के किए कि एक अच्छे प्रधानमंत्री को चुने और उनके सदस्यों को चुना जाए और अच्छी से अच्छी जो है कानून व्यवस्था को जो है किया जाए। जैसा कि ये लोग ये बता रहे हैं कि ये सपा की सरकार अच्छी दिख रही, भाजपा की सरकार इतना विफल दिख रही है, क्या लगता है आपको? और सब सरकारों में तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ हुआ, कहीं टूटी चोरी, कहीं और कुछ हो जाया करता था। इस सरकार में कम से कम ये तो है जो है ईमानदारी से है और जो कुछ भी है हर आदमी के अकाउंट में खाते में डायरेक्ट आता है। और लॉकडाउन के समय भाजपा सरकार ये जो लोगों को बचा ले आई, वरना ये भाजपा सरकार दूसरी सरकार होती तो कुछ बच ना पाता। मतलब आपको लगता है कि भाजपा सरकार बहुत ही अच्छा काम की है? बहुत ही अच्छा काम की है। लगभग कितने काम किए आप बता सकते हैं? अब बता तो नहीं सकते, लेकिन हमारे हिसाब से तो इतना की है कि इतना कोई आज तक किया ही नहीं। बहुत काम किया भाजपा सरकार, पूरा शहर में दिख रहा है। बहुत अच्छा। क्या काम किया? बहुत अच्छा काम किया। किसको वोट करेंगे? भाजपा को करेंगे। भाजपा को किस लिए? बिल्कुल करेंगे, सब काम अच्छा है इनका, सब काम अच्छा है। कोई काम अब लोग कहें तो उससे कहने से क्या नहीं दे रहा, क्या मुद्दे होंगे? क्या कौन वो कपड़ा पहन के फटाफट टहल रहा है बता दीजिए हमको, कोई टहल रहा है? सबके फोन में देखिए, 10,000 का फोन, 20,000 का फोन मिलेगा हर आदमी के पास, फोन 10,000-20,000 का जेब में मिलेगा। कौन गरीब है बताइए आप हमको, कौन गरीब है? आपको लग रही सरकार है ठीक है, फर्स्ट क्लास? भाजपा वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बहन बेटियां हमारी जो चल रही है रोड पे, कोई दिक्कत नहीं है, आज सुरक्षित है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। बताइए कहाँ उनको कमी दिख रही है आपको? बताइए क्या भाजपा सरकार में कहाँ कमी है बताइए आप हमको जी, कहीं भी? हाँ, कहीं गुंडाई हो रही है, कहीं कुछ हो रही है बताइए आप हमको। भाजपा सरकार में महिलाएं भी सेफ है? गुंडाई खत्म, गुंडाई भी खत्म हो गई बिल्कुल, सीबीआई भी बिल्कुल। चलिए देखिए, क्या नाम है आपका? बीरेन प्रसाद तिवारी। बीरेन जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार सबको खुश नहीं कर सकती, जो खुश है वो खुश है, जो नाराज हो डफली बजा रहे हैं। सही बात ये है, समझ रहे हैं? ज्यादा डफलिया उन्हीं की बज रहे जिसके जेब में जा नहीं रहा है। अरे विरोधी पस्त हैं। अरे उसको जाने दीजिए, वो तो आप खुद ही बता देंगे कि विरोधी पस्त हैं कि
यहाँ के जो सांसद है सांसद वोट करेंगे? नहीं, सांसद को तो वोट किया जाएगा, बस वही है कि पानी पी के गाली दे के दिया जाएगा, आप समझिए वास्तविकता यही। मतलब उनको गाली दे के वोट करेंगे आप उनको? इसलिए देखिए समाज सामाजिक स्तर उनका इस समय नहीं बना पाए उन्होंने, जैसे आप अभी हमारे ये भाई साहब सपा के विशेष हैं और इन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो भाई देखिए सबको खुश नहीं कोई कर पाएगा ऑलरेडी, हम आप चाहे अपने बच्चे को तो वो भी नहीं खुश कर सकते। कार्यकाल से खुश हैं? बिल्कुल एकदम संपूर्ण खुश हैं और सोचते हैं कि सब लोग इसी तरीके से आए, हमारी तरीके से खुल के आए सब। वोट करेंगे आप भाजपा को? बिल्कुल यार बाजार भैया आइएगा, हम जब वोट देंगे तो आपको बुला लेंगे, खुला वोट आपको देंगे, आप आइएगा देख लीजिएगा। जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं कि भाजपा को वोट करेंगे, फिलहाल हमारे बीच बहुत लोग मौजूद हैं, आइए उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। तो रमेश जी ये बताइए क्या लग रहा है कि भाजपा की सरकार एकदम ठीक ठाक है? एकदम ठीक ठाक और 100% आएगी और 400 पार जाएगी। 400 पार जाएगी जी, 404 उन्होंने काम किया है, जमीनी काम किया है, जमीनी स्तर पर क्या काम, जमीनी स्तर पर काम किया उन्होंने की सब गरीबों मजदूरों के लिए सबको साथ ले चल रहे हैं, सारा काम उन्होंने किया है। संगम लाल जी से हमको एक ही निवेदन है भाई, सांसद जी को 100% करेंगे। सांसद जी का उनके कार्यकाल में क्या कार्यकाल हुआ अभी तक? सांसद जी के कार्यकाल में कुछ खामियां रही लेकिन उन्होंने अपने खामियों को बताया कि जो गलती हो गई अब दोबारा नहीं होगी और जो काम होगा अब अच्छी तरीके से और होगा। ये तो जनता नहीं मान रही, फिलहाल जनता को मानने से नहीं मतलब, जनता को दिखा करके दिखाना पड़ेगा उनको। एटीएल को चालू करवाने की तो एटीएल की भी बात कर रहे थे, अभी तक एटीएल फाइनल तो नहीं हुआ है। एटीएल से उनका कोई लेना देना नहीं, ये अफवाह है। हाँ, जो उन्होंने आप नहीं मानते कि वो एटीएल के बारे में बातचीत किए हैं? दिया जाएगा सबसे तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनता ये कह रही है ना, जनता ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर कह रही है कि एटीएल की उन्होंने वादा किया था जो कि अभी तक एटीएल नहीं बना, नहीं बना, कोशिश करेंगे वो बनाए। इससे सारे लोग नाराज हैं और वो अपने अपने कार्यकाल के लिए पूरा दम लगाए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, सबकी सब परेशानियों को सुन रहे हैं। अरे तो चलिए ठीक है, ये तो बात की बात है। कुछ हमारे बीच और नौजवान भी उपस्थित है, आइए उनसे भी बात करते हैं। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? आप वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मतलब भाजपा से संतुष्ट है कि नहीं? बिल्कुल संतुष्ट है, जहाँ जीत रहे हैं। किससे संतुष्ट है? जहाँ जीत रहे हैं सब उसी पे दिखाएंगे भाई, और क्या। कमल भाजपा लाओ देश बचाओ। भाजपा अबकी बार कितना पार? 400 पार। लग रहा है? लग रहा है, हो जाएगा। क्या कार्य किए भाजपा? बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। राशन दे रहे हैं, उसके बाद गैस दिए, कॉलोनी बनवाए, उसके बाद लाइटिंग बनवाए, सब गांव में लाइटिंग जा रहे थे। कुछ कह रहे हैं जो भी राशन दिया जा रहा है इसमें 2 किलो कटौती हो रही है, इसके कटौती बिल्कुल नहीं, कटौती नहीं हो रही है। ये आप मान रहे हैं, ये आप मान रहे हैं कि अफवाह उड़ाया है ना? अफवाह उड़ा, पूरा राशन 50 किलो ले आए हैं आज हम। जी हम मानते हैं, दावा करते हैं, दावा करते हैं। तो आप सपा की सरकार से नहीं संतुष्ट हो पाएंगे? नहीं, भाजपा की सरकार आपके लिए ठीक है जी। बताइए, हम तो बोल चुके, फिर से बोलेंगे ना। ये बताइए जो मंदिर बना है, क्या मंदिर से कोई नहीं बनाता? कोई नहीं बनाता नहीं, जो जो मोदी योगी कर दिए कोई नहीं कर सकता था। हाँ, जो वो किए कोई नहीं कर सकता है। आज इतना दिन से कितने लोग मार दिए गए, वही मुलायम सरकार थी, मुलायम सरकार थी, कितने लोग मारे गए। अब ये देखिए भाजपा सरकार एक दिन में मारा, वो फर्स्ट क्लास आप जाइए मंदिर में दर्शन करके आइए, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, कोई कर पाया? लेकिन तो बीबीआईपी ऐसे कोई ना, ऐसे नॉर्मली हिसाब से दर्शन करा रहे, अंदर तो घुसने तक नहीं दे रहे हैं। जाने दे रहे हैं? क्यों नहीं जाने देंगे? बिल्कुल जाने देंगे। फिलहाल ये तो बात की बात है, किसके सर पे ताज सजेगा ये तो 25 तारीख को ही कंफर्म होगा। प्रतापगढ़ से गणेश राय, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।